दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। मंडी में गणतंत्र दिवस जिला स्तर पर मनाया जाएगा। इस समारोह में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिरकत करेंगे। इस खास मौके पर शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि होंगे और ध्वजारोहण करेंगे। 26 जनवरी को शिक्षा मंत्री सुबह 11:15 संकन गार्डन स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्या अर्पण करने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सेदी मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके बाद वह परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर परेड की तैयारियां शुरू हो गई हैं और पड्डल मैदान में पुलिस की महिला और पुरुष जवान, होमगार्ड की महिला और पुरुष जवान, कॉलेज के ईयर विंग और एनसीसी कैडेट बॉय स्कूल व गर्ल स्कूल की एनसीसी कैडेट्स को परेड की रिहर्सल करवाई जा रही है। परेड की अंतिम रिहर्सल कल सेदी मंच पर की जाएगी। इस मौके पर स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे कि सभी को पता है, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मंडी के सेरी मंच पे मनाया जाएगा और इसमें पुलिस की जो प्लेटून्स की और होमगार्ड जवानों की और साथ में एनसीसी कैडेट्स की जो परेड रहती है उसकी अभी हम रिहर्सल मंडी में करवाई जा रही है ताकि एक अच्छा शो जो है 26 तारीख को हम प्रेजेंट करें। और इसी तैयारियों के तहत ये प्रैक्टिस जो है 25 तारीख तक करवाई जाएगी और सभी अपना जो मूवमेंट है वो उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए और एक समान अच्छी एक परेड जो है तैयार की जा सके, इसकी तैयारियां मंडी जिला में हम कर रहे हैं। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।